नमस्कार, पिंगाक्ष में आपका स्वागत है। आज हम श्री राम मूर्ति विधान पर चर्चा करेंगे। श्री रामचंद्र जी नारायण के मनुष्य अवतार हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, मशक समान रूप कपिधरी, लंग कहीं चले सुमिर नर हरी। श्री रामचंद्र जी की मूर्ति के विषय में हमें कई स्थानों से ज्ञान मिलता है, जिनमें से प्रमुख हैं विष्णु धर्म उत्तर पुराण, मत्स्य पुराण व आगम साहित्य। श्री रामचंद्र जी की मूर्ति मध्यम 10 ताल माप की बनाई जाती है, यानी 120 अंगुल की। त्रिमूर्ति मूर्तियाँ यानी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की मूर्तियाँ उत्तम 10 ताल या 124 अंगुल की बनाई जाती हैं। श्री रामचंद्र जी के 10 ताल मूर्ति का वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 ताल स्मृतो रामो बलिर्वैरोचनस्तथा मनुष्यावतार होने के कारण श्री राम जी की मूर्ति द्विभुज बनाई जाती है, ना कि चतुर्भुज या अष्टभुज। त्रिभंग या अभंग मुद्रा में श्री राम दाहिने हाथ में धनुष और वाम में बाण लिए खड़े होते हैं। त्रिभंग अर्थात 3 स्थानों घुटनों, कमर व गर्दन से बल खाई हुई मूर्तियाँ। अभंग अर्थात कमर से बल खाई हुई व एक पैर आगे रखे हुए मूर्ति। श्री रामचंद्र जी को किरीट मुकुट धारण कराया जाता है। किरीट मुकुट शंकु आकार का मुकुट होता है, जो वैदिक देवताओं या चक्रवर्ती राजाओं के ऊपर सुशोभित किया जाता है। किरीट मुकुट आम तौर पर पहनने वाले के चेहरे से 2 या 3 गुना बड़ा बनाया जाता है। इस मुकुट को कौस्तुभ आदि विभिन्न वैविध्यपूर्ण रत्नों से सजाया जाता है। रामचंद्र जी के दाहिने भाग में जनक नंदिनी जानकी की 9 ताल मूर्ति स्थापित की जाती है। सीता जी के दाहिने हाथ में नीलोत्पल पुष्प होता है। सीता जी को करंड मुकुट धारण कराया जाता है। एक अलिखित नियमानुसार श्री जानकी वल्लभ जी की एक साथ स्थापित की गई मूर्ति सदैव प्रसन्न मुद्रा में दिखाई जाती है। राम जी के वाम भाग में लक्ष्मण जी की 116 अंगुल की मूर्ति स्थापित की जाती है। आसान तौर पर देखें तो सीता जी की कंधे तक तो लक्ष्मण जी की कान तक की मूर्ति श्री रामचंद्र जी के साथ स्थापित की जाती है। श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी एक समानांतर रेखा में होते हैं। हनुमान जी इस रेखा की थोड़े आगे विराजमान होते हैं। हनुमान जी की मूर्ति 7 ताल मान या 84 अंगुल की होती है। हनुमान जी को सदैव श्री रामचंद्र जी के वक्ष भाग के नीचे तक ही बनाया जाता है। श्री रामचंद्र जी के समक्ष हनुमान जी सदैव दास्य भाव में हाथ जोड़े विराजमान होते हैं। कई स्थानों पर आदर के रूप में हनुमान जी को अपने मुख पर हाथ रखे भी दिखाया जाता है। धनुष लिए श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा को कोदंड मूर्ति भी कहा जाता है। धनुष की लंबाई उसे धारण करने वाले की लंबाई के अनुपात में होती है। देख ही राम रिपुदल चलियावा, बिहस कठिन कोदंड चढ़ावा। इति श्री जानकी वल्लभो विजयते।